तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन एंटरटेनमेंट्स। आज हम आपको कराएंगे जैन मंदिर के दर्शन। अभी हम लोग हैं शिखर जी, तम्मे शिखर, जो कि झारखंड के पास है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे कलश मंदिर के। काफ़ी सुंदर मंदिर बना ये, काफ़ी बड़ी जगह में बना है। चलिए चलते हैं दर्शन करने। तो फाइनली यहाँ पे आचार्य प्रमाण सागर महाराज जी हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पे। ये कलश मंदिर का गेट, फ्रंट गेट। चलिए हम लोग एंटर हो रहे हैं कलश मंदिर के अंदर। काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है कलश मंदिर, कराएंगे आपको दर्शन। ये कार्यालय काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है कलश मंदिर। ये यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ कमरे बने हुए हैं। ये यहाँ पे सामने कैंटीन बनी हुई है, यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। ऐसा है कुछ, ये चलेंगे मंदिर के अंदर, कराते हैं आपको दर्शन। अभी हम लोग ऊपर मंदिर जी के ऊपर चल रहे हैं। फाइनली श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान जी की यहाँ पे मूल प्रतिमा है। ऐसा है ये मंदिर, ये भगवान श्री विराजमान है यहाँ पे। जय हो 1008 पार्श्वनाथ भगवान जी। जय हो। ऐसी ही कुछ बनावट इस मंदिर की थी, ऐसा बना हुआ ये। तो अभी हम लोगों ने कलश मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग चलेंगे आगे गुणायतन, जहाँ पे प्रमाण सागर महाराज जी विराजमान है, कराएंगे आपको वहाँ के दर्शन। चलिए चलते हैं। आज हम लोगों का डे वन है, अभी हम लोग 2-3 दिन और रहेंगे, तो आपको रोज़ नए नए मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। गुणायतन चलने से पहले आपको कराते हैं एक और मंदिर के दर्शन। गुणायतन से पहले एक मंदिर जी का दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए, ये मंदिर भी कुछ इस तरीके से बना हुआ है, श्री पाषाण दिगंबर जैन मंदिर। ये भी काफ़ी बड़ा बना है, श्री घंडीलाल जैन भवन। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था यहाँ पे भी बनी हुई है, कभी आप आएँ तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। ये देखिए, पहले हम लोग मंदिर चल रहे हैं अंदर, मंदिर जी के अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं कैसा है मंदिर, कैसी प्रतिमाएं हैं। ओम जय जय कुछ इस तरीके से आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसा है कुछ मंदिर जी, ऐसी प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान है, पाष्टर भगवान की मूल प्रतिमा विराजमान यहाँ पे। अभी एक गेट लगा हुआ है इसलिए सही से दर्शन नहीं हो पा रहे। ऐसा है कुछ मंदिर, ये देखिए। तो हम लोगों ने दूसरे मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, अब हम लोग चलेंगे गुणायतन, वहाँ के मंदिर के दर्शन कराते हैं अभी आपको। ऐसे यहाँ पे बाजार भी है, ये पूरा मार्केट ही है।
आदिना टीवी की बस खड़ी है, तब आप आदिना टीवी से लाइव देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। ये एक मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, जिसे 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन, कांच का मंदिर बना हुआ है पूरा। चलिए इस मंदिर के दर्शन भी आपको कराते हैं, देखते हैं अंदर मोबाइल अलाउ होता है कि नहीं, यदि होता है तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। सुंदर और अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत ये अष्ट धातु की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे जो विराजमान है। ऐसा ये पूरा कांच का मंदिर बना हुआ है, ये देखिए पूरा ये कांच का मंदिर है। ये आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान जी की है, और ये चंदा प्रभु भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, और बगल में यहाँ पे पाषाण भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। ऐसा है अद्भुत ये कांच का मंदिर। और उसी कांच मंदिर के एक दूसरे फ्लोर पर हम लोग आए हैं, इसकी अद्भुत प्रतिमाएँ जी को आप देखिए, कितनी सुंदर मंदिर में ये विराजमान है, कितना सुंदर है यहाँ पे इनको बनाया गया है। ये देखिए, ये मंदिर का सेकंड फ्लोर भी पूरा कांच का ही बनेगा, अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है, अगले नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आप समय से कर जी पे आएँ, आप यहाँ पे दर्शन करने जरूर आएँ, बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। कुछ इस तरीके से ये पूरी 24 प्रतिमाएं जी यहाँ पे विराजमान हैं, 24 तीर्थंकर भगवान की 24 प्रतिमाएं यहाँ पे क्रम बाई क्रम विराजमान है, ऐसा ये पूरा नज़ारा। और इसी मंदिर जी के बाहर से आप देख सकते हैं सामने, यह एक पावन धाम मंदिर सिगर जी में बना हुआ है, और ये रहा हमारा गुणायतन, चलेंगे अभी यहाँ पे, ये है गुणायतन, गुणायतन जी का मंदिर ये यहाँ पे बना हुआ है, इतना अद्भुत मंदिर है ये, आपको चल के यहाँ के भी दर्शन कराएंगे। पहले इसी कांच मंदिर जी के एक और प्रतिमा जी का दर्शन कर लेते हैं हम लोग, एक और वेदी बनी हुई है, चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मूल प्रतिमा में आदिनाथ भगवान जी विराजमान है, यहाँ पे गेट लग चुका है, इसलिए आपको ऐसे ही दर्शन करा रहे हैं। ऐसा है कुछ, ये देखिए इस 1008 आदि भगवान जी को, ये ऐसी है पूरी गुणायतन सामने गुणायतन। चलिए इस मंदिर के दर्शन करा दिए मैंने आपको, चलते हैं गुणायतन। और अभी हम लोग चल रहे हैं गुणायतन के पहले जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे चलेंगे, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, चलिए चलते हैं देखते हैं दर्शन करते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे गुणायतन। ये देखिए
हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, मंदिर जी के ऊपर। चलिए तो कराते हैं आपको मंदिर जी के दर्शन। ये मंदिर जी भी काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है ऐसा। ये गेट, जय हो बाबा की। यहाँ पे भी 1008 पाटना भगवान जी विराजमान है। काफी बड़े मंदिर बना हुआ है। ये पाटना भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है, मूल नायक। इसी के नीचे ये महावीर भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं गुणायतन के अंदर दोस्तों। यहीं पे आचार्य भगवान विराजमान है, प्रमाण सक महाराज श्री। ये गुणायतन का फ्रंट गेट। यहाँ पे भी जलपान ग्रह है, नाश्ता आप कर सकते हैं यहाँ पे, चाय पानी भी पी सकते हैं। ये रुकने का पूरी बना हुआ है व्यवस्था, पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। और इधर ये यहाँ पे कार्यालय बना हुआ है। और अब हम लोग आ गए हैं गुणातन के पास। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, हम भी करेंगे दर्शन और आपको भी कराएंगे, दिखाएंगे कैसा मंदिर बना हुआ है। ये अभी कार्य चल रहा है, पूरी तरीके से मंदिर अभी बना नहीं है। ये देखिए कितनी सुंदर कृतियाँ ये सीढ़ियों पे भी की गई है, ये देख सकते हैं आप। इसकी ये देखिए, ये मंदिर अभी बन रहा है, देखेंगे। प्रतिमा शायद अभी विराजमान नहीं हुई है। ये देखिए मंदिर की नकाशी। यहाँ पे अभी मंदिर जी का कार्य चल रहा है, अभी यहाँ पे प्रतिमाएं विराजमान नहीं है। यहाँ पे अभी सितंबर या नवंबर में इस मंदिर का पंचकल्याणक होना है, तब यहाँ पे प्रतिमाएं विराजमान होंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं कैसा ये मंदिर है, कैसा ये मंदिर बन रहा है और कितने बड़े जगह में ये मंदिर बन रहा है। ये देखिए सामने भी कार्य चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि गुणातन में भी कार्य चल रहा है, अभी यहाँ पे प्रतिमाएं विराजमान नहीं है क्योंकि इस मंदिर अभी तक पंचकल्याणक नहीं हुआ है। और इसका पंचकल्याणक यहाँ पे जो प्रमाण सागर महाराज जी विराजमान है उनके द्वारा होगा। अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ का पंचकल्याणक होना है। मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पे प्रतिमाएं नहीं है, मैं भी आया तो मुझे अभी पता चली है। तो चलते हैं, गुणातन के दर्शन करवा दिए मैंने, मंदिर के प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान होंगी और हम जब आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। मैंने जितने हो पाया उतने मंदिर को दर्शन कराने की कोशिश की है आपको। अभी और भी हम लोग यहाँ पे हैं 3-4 दिन, आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय जिनेंद्र, बाय।